हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूँ आपको आपके अपने चैनल बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी में, जहाँ पे हम कर रहे हैं अपनी नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 का हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम अपनी इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो सबसे पहले तो रिमाइंडर आपकी स्केल इक्वेशन को ले रहे थे 0 के, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बनेगा और जो मैं बात करता आ रहा था अब उसको मज़ीद क्लियर हो जाएगी, आपको मज़ीद उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा, बाकी आपके तमाम क्वेश्चन इसी पैटर्न से होंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा और इसी क्वेश्चन पर अपनी बात बन जाएगी। यहाँ पर आपने फाइंड आउट क्या करना है, द रिमाइंडर आफ्टर द डिग्री इन द पॉलिनोमियल, उसने पी ऑफ एक्स सबसे पहले तो आप वो लिख लीजिए, क्या आपको दिया है एक्स की पावर क्यूब, ये क्यूब है, और इसी तरह से प्लस ए एक्स की पावर का स्क्वायर प्लस 7, ये आपको उसने दिया है और डिविजिबल बाय है ये एक्स प्लस 1 के, ठीक है। और इसी तरह से इसका जो रिमाइंडर है वो 2 भी है। अभी इसका कॉन्सेप्ट बाद में दूंगा। और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ द एक्सप्रेशन लीव्स द रिमाइंडर ए बी प्लस 5 ऑन द बीइंग डिविजिबल बाय एक्स माइनस 2। वो क्या कहता है, अगर तो एक्स प्लस 1 के डिविजिबल करते हैं इस इक्वेशन को, हम ये जो आपकी इक्वेशन है इसको हम एक्स प्लस 1 पे डिविजिबल करते हैं तो आपका रिमाइंडर 2 भी आएगा, और अगर हम इसको किसके डिविजिबल करते हैं एक्स माइनस 2 पे डिविजिबल करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका रिमाइंडर जो आएगा वो आपका बी प्लस 5 आएगा, ठीक है। बात डन हो गई, ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका रिमाइंडर है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली आप इस इक्वेशन को प्रीवियस वीडियो में किसके को लेते थे, 0 के इक्वल लेते थे ना, तब आप वैल्यू फाइंड आउट करते थे जो आपको फाइंड आउट करनी होती थी। अभी यहाँ पे जिस तरह से आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ए और बी की, इसी तरह से आप किस तरह से फाइंड आउट करते थे कि आप उसको 0 के इक्वल लेते थे, लेकिन यहाँ पे आपको उसने मेंशन क्वेश्चन में कर दिया है कि एक जो वैल्यू है वो आपने 2b की लेनी है और दूसरा जो आपने रिमाइंडर लेना है वो बी प्लस 5 के लेना है। ये उसने आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया है, अब आप 0 के इक्वल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और उसने कहा है कि दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, जो रिमाइंडर दोनों इक्वेशन से आए आपने उन दोनों रिमाइंडर को क्या करना है, कंपेयर करके ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो यहां पे आपके पास अब क्या है, एक्स प्लस 1 है तो एक्स पी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पी ऑफ माइनस 1, माइनस 1 की वैल्यू पी ऑफ एक्स में माइनस 1 पुट किया तो माइनस 1 की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में भी पुट आउट कर देनी है, माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी, क्यूब, और प्लस ए माइनस 1 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर, और प्लस 7। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए प्लस 6, ठीक है। अब ए प्लस 6 को आपने 0 के इक्वल हरगिज़ नहीं लेना, आपने उसके इक्वल लेना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन उसने दिया है, ए प्लस 6 इज इक्वल टू आपके किसके है, 2b के, क्योंकि हम पहली इक्वेशन को x प्लस 1 को सोल्व कर रहे हैं ना, x प्लस 1 का उसने रिमाइंडर क्वेश्चन में आपको बताया है 2b, तो आपने इसको किसके को लेना है, 2b के को लेना है। अब इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेकिन a और b की वैल्यू हम दोनों को कंपेयर करके फाइंड आउट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। क्या वेरिएबल वैल्यू उसको एक साइड पर ले लिया है, कॉन्स्टेंट वैल्यू को एक साइड पर ले लिया है, और हमने यहाँ तक बात अपनी टर्न कर दी है। अब आप इसको किसी इक्वेशन का नाम दे दिए, इक्वेशन 1 का, मैं इसको ऊपर सोल्व कर देता हूँ, ऊपर वाला सारा रेज करता हूँ, ये हम रेज कर देते हैं, इसको भी फिलहाल रेज करते हैं, और इक्वेशन 1 अपने यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको पता चल जाए और सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 जो हमने हमारी अभी बनी थी वो a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 6, ये अपनी इक्वेशन 1 बनी थी, ठीक है, ये इक्वेशन 1 ओके हो गया। अब आपको क्या करना है, ये आपकी फाइंड आउट हो चुकी है, यहाँ तक अपना अपना क्वेश्चन हो चुका है डन। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को लेना है, इस डिविजिबल फैक्टर को लेना है, x माइनस 2 है तो आपका p ऑफ x कितना हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, p ऑफ 2 फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ पे 2 की वैल्यू को पुट कर देना है, जो ही हम 2 की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक हो गया। अब आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपका आ जाएगा 4a प्लस 15, ठीक हो गया। और अब इसका जो रिमाइंडर है वो भी आपने हरगिज़ 0 के इक्वल नहीं लेना, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है आपने वो लेना है, क्या है, बी प्लस 5 के है, आपने इसका क्या लेना है, बी प्लस 5 के लेना है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये 4a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 10, ये आपकी क्या हो गई है, 2। इस सबको मैं रेज कर देता हूँ अंदर वाले को, अब हमें इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसको भी रेज कर देता हूँ, इस इक्वेशन को रहने देता हूँ बस, और आपकी ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं,
एक आपकी बन चुकी है ये क्वेश्चन, और सेकंड आपकी बन चुकी है, इसको भी ऊपर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये आपकी बन चुकी है सेकंड इक्वेशन, ये दो इक्वेशन आपकी बन चुकी हैं, और अब आपने इनको सॉल्व आउट करके ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किस तरह से करना है, अब आपने ये आपकी दो इक्वेशंस हैं, एक ए माइनस टू बी माइनस सिक्स है, और ये आपकी फोर ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टेन है। अब आपने करना है मल्टीप्लाई, हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन टू, जो इक्वेशन टू है उसको किससे करना है, टू से मल्टीप्लाई कर देना है, टू से मल्टीप्लाई करके कर देना है और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट किससे करना है, इक्वेशन वन से करना है, यानी कि इक्वेशन वन से इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इक्वेशन टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू से। किस लिए मल्टीप्लाई किया ये इक्वेशन में आपको बताऊंगा कि हमने इसको किस लिए मल्टीप्लाई किया। अभी आप क्या कीजिए, ए माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स अपनी इक्वेशन वन लिख दीजिए, ये जो आपकी इक्वेशन है। अब इक्वेशन टू को किससे मल्टीप्लाई करना है, टू से करना है, टू से मल्टीप्लाई कीजिए, एट ए हो जाएगा ये आपका, और ये माइनस टू बी हो जाएगा, और ये आपका इक्वल टू हो जाएगा माइनस ट्वेंटी। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। आपको पता है नर्सरी क्लास से इस रूल का, तो जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं जो पॉजिटिव साइन होते हैं वो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, सिंपली आपका हो जाएगा माइनस सेवन ए और इक्वल टू फोर्टीन। अब आपको मैं बताता हूँ कि हमने इसको क्यों किया है सब्ट्रैक्ट, इसलिए कि ताकि ये हमारी जो दो इक्वेशन बी की वैल्यू है ये हमारी कट आउट हो जाए और हमारी सिंपली ए की वैल्यू आ जाए, ताकि हम उस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करके किसी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू को पुट करके बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से सिंप्लीफाई करके ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है, जो आपकी आ जाएगी ए इज इक्वल टू माइनस टू। साफ साफ इक्वेशन ही बता रही है कि ए की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, चले कर ही देता हूँ ले जी, ठीक हो गया, बात अपनी डन हो गया। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई है, टू आ गई है। अब आपने क्या करना है, इस ए इज इक्वल टू टू को इक्वेशन वन में आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है, जिससे आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू भी आ जाएगी, और ये हो जाएगा माइनस सिक्स, और इसी तरह से ये आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी टू। ठीक हो गया, ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, बी की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली है। इस तरह से आपने इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, और इन दोनों इक्वेशन दो आपके रिमाइंडर आए, आपने उनसे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर ली, आपने उन दोनों को इक्वल पुट करना है उन दोनों को, और उसके बाद करना है। और इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेवन भी होता है, और क्वेश्चन नंबर एट आपका देख लें, क्वेश्चन नंबर एट भी सिंपली इसी तरह से होता है, जिसमें आपका रिमाइंडर आपको बताया गया है और उसका जो इक्वल टू आप लेंगे वो 12 के लेंगे, इसी तरह से x माइनस वन लेंगे और x प्लस टू लेंगे, तो इससे भी आपकी l और m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और मैं आपके लिए करता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर नाइन, उसको ज़रा थोड़ा सा टच करते हैं, वो ज़रा उसमें इक्वेशन आपको एग्जैक्टली बना के नहीं दी हुई है, कन्फ्यूज ना हो जाए आप कहीं, इसलिए मैं आपको और टच करवा देता हूँ, बाकी सेम इसी तरह के, कुछ भी उसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लाजमी बता दीजिएगा, हम उसे कर लेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन, अब क्वेश्चन नंबर नाइन में उसने, मैं आपको इक्वेशन बना के दे दूंगा, इसके फैक्टर्स आपको बना के दे दूंगा जो डिविजिबल हैं, बाकी आप खुद ही कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इसको आपको इक्वेशन दी गई है ए एक्स की पावर क्यूब, और इसी तरह से माइनस नाइन एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस थ्री ए, ठीक है, रिस्पेक्टिवली किसकी है, एक्स का स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब आपने क्या करना है, पी ऑफ एक्स आपका किसकी इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, जिस तरह हम पीछे करते आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन आपने किस तरह से करनी है कि इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इस तरह उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कि आपका 5 बने, जो आपका लीनियर वैल्यू अंदर सेंटर में दी गई है वो आपकी एक्सट्रीम पॉइंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बने। तो एक्सट्रीम पॉइंट को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 6 बनता है, और 3 टू जा 6 होता है हमें पता है, और अगर दोनों साइन को नेगेटिव रखें तो हमारा 5 बनता है माइनस, और इसी तरह से माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। कॉन्सेप्ट आपको दे चुका हूँ मैं कि आपने फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी है प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो आपका मसला है, आपने वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन फिर भी टच करवा दें कि एक्सट्रीम वैल्यू को मल्टीप्लाई करके मिड वैल्यू लीनियर वैल्यू बनानी है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उन दोनों मल्टीप्लीकेशन को तो वो आपकी मिड वैल्यू लीनियर वैल्यू बने। तो वो हमारा क्या है, 3 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है, अगर इन दोनों को ऐड करें तो माइनस 5 बनता है। इसी तरह से अब आपने क्या करना है, जो चीज़ कॉमन निकलती है वो कॉमन ले लेनी है, और इसी तरह से आपने x माइनस थ्री कॉमन चला गया, x माइनस टू आपका आ गया है।
अब आपके ये दो इक्वेशंस हैं, ये दो इक्वेशन है जो डिविजिबल है इस पे। अब आपने क्या करना है, इन दो इक्वेशन को से पी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, और इससे भी पी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, जो आपका आ जाएगा 3, जो आपका आ जाएगा 2। ये 3 और ये 2 इस इक्वेशन में पुट करना है, ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लेकिन पी 3 में पुट करके साथ ही ए की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर लेना, उसके रिमाइंडर को एज इट इज़ वैसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद 2 पे पुट आउट कीजिएगा, उसके रिमाइंडर को भी छोड़ दीजिएगा। फिर दोनों वैल्यू को कंपेयर कीजिएगा और फिर ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिएगा, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया। अगर प्रीवियस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, और बल्कि किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है अगर प्रीवियस क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसलिए कहा था कि प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज का लेक्चर स्पेशल था, इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं उनको लाजमी कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एक्सरसाइज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।